हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कॉलेज लाइफ का एक दिन। मतलब हम लोगों का शेड्यूल सुबह जगने के बाद रात के सोने तक जो भी शेड्यूल रहता है, दिन भर में हम लोग क्या क्या करते हैं, आज सब आप लोगों को डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों, मेरा दिन कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। अपना मॉर्निंग वर्क पूरा करके, नाश्ता करके अभी मैं क्लास जा रहा हूँ। तो देख लो, चलो क्लास। दोस्तों, हम लोगों का क्लास सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। 9 बजे से 11 बजे तक लैब होता है और 11 से 12 एक दूसरा क्लास चलता है और 12 से एक दूसरा क्लास चलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, स्टार्टिंग में मेरा 9 से 11 लैब है, तो अभी लैब में जा रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, देखते हैं लैब में क्या क्या होता है। चलो बंद है क्या? दोस्तों, मुझे वीडियो बनाना था तो मैं थोड़ा पहले आ गया था। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हुआ है, खुला वुला है या नहीं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने लैब में। लैब में सबको कुछ ना कुछ काम मिला था, सबने अपना अपना काम किया। सबको कोई लेआउट डिज़ाइन करना था तो सबने अपना अपना किया। मैंने भी कुछ इस प्रकार का एक मोबाइल का एक लेआउट डिज़ाइन किया है। लैब, आज का लैब यहीं समाप्त होता है और लैब के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं हॉस्टल लंच के लिए। लंच के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और 2 बजे से हम लोगों का फिर से क्लास रहता है, इस वजह से हम लोगों को जल्दी खाना खाना पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, लंच के बाद अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। लंच के बाद हम लोगों का 2 क्लास रहता है, 2 से 3 और 3 से 4। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे क्लास के बाद। दोस्तों, सब क्लास ख़त्म होने के बाद जब घूमने का टाइम आया तो बारिश शुरू हो गई। हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, मस्ती किए, उसके बाद वापस आ गए हॉस्टल और रात में डिनर करके अपने सो गए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों को भी ये वीडियो देख सके।